हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो ये नोटिफिकेशन है, ये फ्रेंड्स ओल्ड नोटिफिकेशन है जो कि फ्रेंड्स रीओपन कर दी गई है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। तो स्टेनोग्राफर की जो भर्ती परीक्षा 2018 था, अगर आपने इसका फॉर्म पहले फिल कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को ना देखें। पर अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, पहली बार इसमें आवेदन करेंगे, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या इसकी एलडीटी कंडीशंस हैं, वो सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो ये वैकेंसी है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये वैकेंसी रहेंगी, वो आपके सचिवालय राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी की जाएगी। अब यहाँ पर पदों का जो श्रेणीकरण है, वर्गीकरण है, वो आपका किया गया है। जैसे स्टेनो शासन सचिवालय जो कोड संख्या 1 है, इसमें आपकी 70 पोस्ट हैं जो कि आपके कैटेगरी में डिवाइड यहाँ पर की गई हैं। और इसमें कितनी कितनी सीट किन के लिए रिजर्व है वो भी आपको बताया गया है। इसके बाद आरपीएससी स्टेनोग्राफर में फ्रेंड्स 5 पोस्ट आपकी रहेंगी। इसके बाद नीचे आपको आना है, नीचे है आपके शीघ्र लिपिक मतलब स्टेनो के अधीनस्थ विभाग कार्यालय में नॉन टीएसपी एरिया पद संख्या 3 में फ्रेंड्स जो वैकेंसी है वो आपके 1080 रहेंगी। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स आपको दिया गया है यहां पर टीएसपी एरिया की जानकारी। तो यहां पर सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं जो कि टीएसपी एरिया में आते हैं। तो यहां पर टोटल पोस्ट 56 आपकी रहेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ये नेगेटिव मार्किंग जो सिस्टम था 2018 के एग्ज़ाम में, इसको अब विलोपित कर दिया गया है। और यहाँ पर क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है रह गया था, तो अब यहाँ पर दोबारा से आवेदन अब इनवाइट कर दिए गए हैं, जिसमें फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप पहले आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं थे, पर अगर आप अब पात्र हो गए हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 26/8/2020 से 24/9/2020 तक। और आप फॉर्म फिल करते हैं, कोई गलती आपसे हो गई है मान लीजिए, तो आप उसको सही कर पाएंगे 25/9/2020 से 1/10/2020 तक, और आपको ₹300 एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपके श्रेणी है, आपके सेक्शन योग्यता है, वेतनमान है, पात्रता है, आयु संबंधी योजनाएं हैं, वो जैसे आपको पहले वाली नोटिफिकेशन में दी गई है विज्ञापन संख्या 13/2018 उसके अनुसार ही रहेंगी। अब 13/2018 नोटिफिकेशन क्या है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वैकेंसी है, पहले वैकेंसीज कम थी, अब वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद आप एसएसओ के माध्यम से इसमें जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे जब इसका लिंक एक्टिवेट होगा। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट जो है या क्रीमी लेयर के ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट है, उनको ₹450 फीस देनी है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो भी आपको ₹450 फीस देनी है। नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी कैंडिडेट को ₹350 और राजस्थान के एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को ₹250 फीस देनी होगी। और अगर आपके पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो भी आपको ₹250 फीस देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आपके जो उत्तरस्थ खिलाड़ी हैं या फिर आप पीएच कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या क्या यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज आपकी जो है डिस्क्रिप्शन रहेगा वो आपको जानकारी दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है जो कि आप वो चेक कर सकते हैं। वेतनमान फ्रेंड्स यहाँ पर लेवल 10 का रहेगा। पात्रता की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो 12वीं क्लास पास होना आपका ज़रूरी है। अब 12वीं क्लास पास तो आप हैं, पर आपके पास इनमें से भी कोई एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे ओ लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाई NIELIT द्वारा, या फिर आपके पास कोपा या फिर डायरेक्ट डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में अगर आपने एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन को पढ़ा है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर राजस्थान के RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT जो कि VMOU कोटा द्वारा कंडक्ट किया जाता है, वो फ्रेंड्स अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हिंदी में लिखने पढ़ने बोलने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो भी एलडीटी कंडीशंस हैं वो आपके साक्षात्कार या इंटरव्यू के समय तक आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ही आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे देखिए कहा भी गया है कि शीघ्र लिपिक के जो पद हैं, स्टेनोग्राफर के जो पद हैं, इसमें फेज टू जो आपका होगा हिंदी या अंग्रेजी की आशु लिपिक या शॉर्ट हैंड, उसके अंतिम तिथि से पूर्व तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल रहेगा, 1 जनवरी 2019 को काउंट होगा। नए आवेदन में या नए फॉर्म में ये डेट चेंज नहीं की गई है, ये फ्रेंड्स पहले वाली ही रहेगी। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया सेम सभी चीज़ें पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मान्य रहेंगी। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, PH कैंडिडेट को या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को, वुमेन कैंडिडेट को, यहां पर जो भी अपर एज में छूट मिलती है वो आपको यहां पर मिलने वाली है। इसके बाद पेंशन योजना यहाँ लागू रहेगी। अगर आप विवाहित कैंडिडेट हैं तो विवाह पंजीकरण नहीं कराया है तो करा लीजिए, विवाह पंजीकरण सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। और ये जो डेट है ये पुरानी डेट है, इसलिए आप इसको भूल जाएं, नई डेट मैंने आपको बता दी है। परीक्षा का महादिनांक जो है फ्रेंड्स मार्च महीने 2021 में रहेगा, और इसके लिए भी जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही जारी किया जा चुका है अलग से, तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको देना होगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं जो कि लेटेस्ट साइज होने चाहिए, मतलब लेटेस्ट होने चाहिए, पुराने आपको फोटो एंड साइन अपलोड नहीं करने होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर देखिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अब सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन को 2 भागों में बांटा गया है, फेज फर्स्ट एंड फेज टू। फेज फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट है जिसमें 2 भाग रहेंगे। पहला है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, 3 घंटे का पेपर होगा 100 मार्क्स का, और सामान्य हिंदी व अंग्रेजी 3 घंटे का पेपर होगा 100 मार्क्स का। एक ही दिन में ये कंडक्ट होंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन में, तो आप यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पास आउट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे अब आप अपने फेज टू के लिए, जो कि फ्रेंड्स आपका स्टेनो टेस्ट है, और इसमें आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक चूज करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना होगा। तो इंग्लिश स्टेनो जो टेस्ट है वो आपका 10 मिनट का रहेगा, जिसमें फ्रेंड्स 100 शब्द प्रति मिनट के श्रुति लेखन आपको करना होगा। इसके बाद श्रुति लेखन का लेखांश का जो कंप्यूटर पर अंग्रेजी में आपको टंकन या टाइपिंग करनी है, जिसके लिए 60 मिनट आपको मिलेंगी और 100 मार्क्स का आपका रहेगा। सेम यही चीज़ आपकी हिंदी में होगी जिसमें फ्रेंड 10 मिनट आपको मिलेगी, और कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए आपको 70 मिनट मिलेंगे और 100 मार्क्स का आपका रहेगा। प्रश्न पत्र जो है वो आपके सेकेंडरी परीक्षा का इस लेवल का रहेगा, 10th लेवल का रहेगा, फेज फर्स्ट एंड फेज टू में आयोजित की जाएगी, और फेज फर्स्ट जो है फ्रेंड्स MCQ लेवल का रहेगा। मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेके आने होंगे फेज फर्स्ट में नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए, बाकी जो भी कट ऑफ जाएगी उसके लिए फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को चेक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, ये तो हमको पता लग गया कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऐसे होगा और ये पैटर्न रहेगा, पर इनमें भी क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्यों कौन से टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे, तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसका दिया गया है ऑफिशियल सिलेबस। अब ये भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी सेम रहेगा। प्रश्न पत्र जो है, जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है, इसमें फ्रेंड सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, भारत का भूगोल व प्राकृतिक संस्थान, राजस्थान का भूगोल व प्राकृतिक संस्थान, राजस्थान में कृषि व सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, और इसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड जो भी GK बनती है वो आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद एक टॉपिक है आपका दैनिक विज्ञान या एवरीडे साइंस का, तो यहाँ पर देखिए आपसे तत्व, यौगिक व मिश्रण, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल क्षार लवण, प्रकाश का परावर्तन, विद्युत धारा, मानव मस्तिष्क, जंतु व पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास से रिलेटेड क्वेश्चंस, इन टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा। हर एक टॉपिक को आप क्लियर करेंगे अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ, मतलब MCQ लेवल के रहेंगे, अधिकतम पूर्णांक 100 मार्क्स का है, टोटल क्वेश्चन जो है 150 रहेंगे, प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की रहेगी, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, पर अब इसको यहां से हटा दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है प्रश्न पत्र द्वितीय, सामान्य हिंदी व अंग्रेजी, तो यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी व अंग्रेजी में फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर आपको दिए गए हैं टॉपिक्स के, किन किन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी में, और यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं आपको सामान्य इंग्लिश के, जनरल इंग्लिश के, तो ये टॉपिक्स भी आपको क्लियर यहाँ पर करने होंगे। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे, 75 क्वेश्चन हिंदी, 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, और यहाँ पर 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा और सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर
स्टेनो की जो वैकेंसी है जो कि रीओपन हुई है, पहले से अप्लाइड है तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप पहले से अप्लाइड नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, इसका पुराना नोटिफिकेशन क्या है, इसका ओल्ड जो डेट नोटिस चेंज का नोटिफिकेशन है वो क्या है, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए आप जा सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, वहाँ पर जाकर आप डिटेल को चेक कीजिए, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।